नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आबराव और मैं एक शराबी हूँ दोस्तों। नमस्कार हाय आबराव आबराव जी। जी। हाय आबराव जी। नमस्कार 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 आबराव जी। नमस्कार जी, नमस्कार। केवल ईश्वर की कृपा है दोस्तों, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का फेलोशिप, आप सभी भाइयों का शेयरिंग, प्रार्थना की मदद, मेरे मार्गदर्शक, ये 12 कदमों का कार्यक्रम, मेरा परिवार का साथ। आज सुबह से शराब का कोई विचार मेरे दिमाग में नहीं आया दोस्तों। बड़ा खुश हूँ कि मैं आज जिंदा हूँ, आपके बीच में हूँ, और अच्छा लग तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। और सबसे पहले आप सभी भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम आवारा और मैं एक शराबी हूँ। ये जब भी मैंने आज पहले बार जब भी मेरा शेयरिंग चालू किया और मैंने जब बोला, तो ये मैं कभी नहीं कहता था दोस्तों कि मैं शराबी हूँ, जबकि पूरी दुनिया ये कहती थी कि आवारा हो, तुम शराब अगर नहीं पिया तो तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी कोई भी नहीं है, लेकिन अगर तुम शराब पीता है तो तुम राक्षस बन जाते। ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि जो सामान्य नागरिक नहीं करते। और मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, अच्छे संस्कार मुझे दिए गए बचपन में। सही क्या है, गलत क्या है, इसका पूरा मार्गदर्शन, ईश्वर क्या है, प्रार्थना क्या होती है, पूजा अर्चना क्या होती है, पवित्रता क्या होती है, ये सब चीजें मुझे अच्छी तरह से संस्कार मेरे ऊपर बचपन से दिए गए थे। और मैं एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी था, स्टेट लेवल पे खेला हूँ, काम में भी बहुत ईमानदारी से पूरे काम, अच्छी लगन करने वाला व्यक्ति था। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये थी दोस्तों कि मेरे पिताजी शराबी, 24 घंटा शराब पीते थे, और मैंने मेरा पूरा बचपन तो शराबियत के वातावरण में बिताया। बहुत बार पिताजी के ऊपर गुस्सा भी आता था, लगता था कि ये नहीं रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा, और फिर गुस्सा उनको बहुत आता था, जो हाथ में आया उससे मारते थे, पीटते थे। अच्छी आर्थिक स्थिति होने के बावजूद भी हमको जो मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिला था। हम 6 भाई बहन थे। बहुत बार पिताजी ने जाके सुसाइडल अटेम्प्ट किए थे, हम उनके पीछे रोते रोते जाते थे, उनके पैर के ऊपर अपना सर रखते विनती करते उनको घर बुलाते थे। दोस्तों मेरा गांव छोड़ के जाना हो गया 1979 में। पिताजी का शराब बढ़ते गया, और उस दिन मैं नौकरी पे था, मुझे टेलीग्राम आया कि मेरे पिताजी सीरियस है और एक ब्रेन है मेरे घर, 11 दिन कोमा में थे और 11वें दिन उनका देहांत। और मेरा बड़ा भाई एक था, मैं बीच वाला हूँ, और मेरा छोटा एक। उस दिन अंत्येष्टि की पूरी प्रक्रिया मैंने पूरी की थी, और सुनाइए सुनाइए। 84 में जब मैं स्टेट इंटर स्टेट लेवल पे गोवा में कुछ इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए गया था, साबो सिद्धि कॉलेज से हम लोग हारे थे लास्ट में। 33 मेंबर्स थे हम लोग, 32 मेंबर जाके शराब पिए उस दिन गोवा में, और मैं पंजिम में कामत होटल में जाके पूरी भाजी खा के आके सो गया। मैंने स्वीकार कर लिया था पराजय, दोस्तों उसी साल पहली बियर मेरे जिंदगी में आई दोस्तों, एक गोल्डन ईगल बोल के बियर थी, ब्राउन कलर के बॉटल, और 3 गिलास में हम लोगों ने एक एक ग्लास लिया था। और मैं बड़ा ट्रेकर हूँ, ट्रेकिंग का ऑर्गेनाइजर भी था मैं, 25-25 लोगों को ट्रेकिंग करने के लिए लेके जाता था। कभी भी शराब हमने सामने नहीं रखे, लेकिन जिस तरह से
मेरा ओहदा बढ़ता गया, मेरा रेपुटेशन बढ़ता गया, मेरा सोशल स्टेटस बढ़ता गया। शादी हो गई 89 में, एक लड़का पैदा हो गया। मेरी शराब धीरे 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 बढ़ना चालू हो गए दोस्तों। एक दिन मैं महाशिवरात्रि का उपवास कर रहा था, मैं गुरुवार का और शनिवार का भी उपवास करता था, और मैं सुबह में 6 बजे ड्यूटी पे गया था, और वहां पे मेरे को ओवर टाइम लग गया, तो मैं 9:30-10 बजे वहां से छूटा ड्यूटी से, और घर पे आया, स्नान वान किया, पूजा कर रहा था, तो मेरा एक दोस्त का फोन आया पठानवाड़ी से, बोलता हमारो अपने को कलवा जाने का। तो मैं बोले यार मैं अभी सुबह से मैं बाहर ड्यूटी पे था, और अभी आया, मेरा उपवास है, मुझे अभी पूजा भी करने का है। बोलता कुछ नहीं यार, एक आधा घंटे का काम है। मैं मेरे मर्जी के विरुद्ध दोस्तों मेरे मना कर रही थी, तो मैं निकला कपड़े पहन के और गया उसके साथ। उस दिन फ्राइडे था, शायद मेरे को ऐसा लगता है। हम लोग कलवा पहुंचे, वहां पे कुछ लहसुन वसुन गांव से 2-3 थैले आने वाले थे, वहां गाड़ी आके निकल गई थी, हमको लहसुन नहीं मिले, लेकिन वो भाई पीने वाला भाई था। हम लोग ढाबे पे बैठ के उस दिन 2 पूरा खंबा हम दोनों ने खत्म, और काशी मेरा में मेरा कार को पीछे वाला एक बाइक वाला सरदार जी था, उससे जोर से धड़क मारे स्पीड ब्रेकर पे, और मैंने नीचे उतर के उसकी पूरी बाइक पत्थर लेके तोड़ डाली, और उसको इतना मारा कि उसने पुलिस स्टेशन में जाके हमारी तकरार। 2 बोतल फुल हम दोनों ने पिया हुआ था, और मैं उस टाइम में घुटका खाता था, तो पूरा मेरा शर्ट के ऊपर पूरा घुटका गिरा हुआ था। आज ही मेरा पुलिस स्टेशन वाले मुझे मेडिकल के लिए भगवती हॉस्पिटल में डाल दिया, और ईश्वर की दया थी दोस्तों। तो मेरी पत्नी को जब ये किस्सा मालूम पड़ा, तो मेरी पत्नी दोनों बच्चों को लेके मेरे भगवती हॉस्पिटल में आ गए, और डॉक्टर को पैर पड़ के हाथ रिक्वेस्ट करके उनको बोला कि देखो इनके ऊपर कुछ ऐसा रिपोर्ट मत मत बनाओ कि हमारे हस्बैंड की नौकरी जाएगी और हम लोग भूखे मरेंगे। तो बेचारे ने मैं पिया हुआ हूँ ऐसा रिपोर्ट नहीं बनाया। उसके बावजूद भी मुझे कोई पश्चाताप या गिलवा या गिलावा या शिकवा कुछ ऐसा नहीं होता। कल हुआ इतना बड़ा इंसिडेंट, महाशिवरात्रि का उपवास, इतना इंसैनिटी। दूसरा दिन मैं फुल पी के रात में आया, और ये चलता रहा दोस्तों। एक तो ऐसा इंसिडेंट हो गया दोस्तों कि मैं मोबाइल ड्रिंकर था, मैं अंधेरी से स्टार्ट करता था, कभी कभी शाम तक खुद से मेरा स्टार्ट होता था, पीते 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 पीते, कभी कभी 5 बजे सुबह में, कभी 5:30 बजे, कभी 8:30 बजे, कभी 1:30 बजे ऐसा घर पे आता। और मेरी बीवी मेरे दोनों बच्चों को लेके बालकनी में मेरा रास्ता देखते थे, क्योंकि जैसा कोई बुलेट का आवाज आया वो बेचारे देखते थे क्या है। और मैं शराब पी के जब आता था तो मुझे चलने को नहीं आता ना, पकड़ पकड़ के इधर उधर दीवार को मैं कैसा भी ऊपर सेकंड फ्लोर पे जाता था मेरे घर पे, और उस टाइम में मेरी बीवी मेरे लिए कुछ भी बना कर देती खाना, और मैं वो उठा के फेंक देता था, क्योंकि इसमें नमक ज्यादा होगा, इसमें ये ज्यादा होगा। और एक दिन ऐसा हो गया दोस्तों कि मैं 11:30 बजे मीरा रोड में था, और मेरा बीवी ने मेरे को फोन किया, तो मैं बोला 5 मिनट में आ रहा हूं, मैं नजदीकी हूँ दोस्तों। मैं पूरी रात में मेरी बीवी मेरे दोनों बच्चों को लेकर ढूंढते 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 बाहर, वो रेगुलर अफेयर हो गया था, मेरे दोनों बच्चों को लेकर मेरा बीवी मुझे ढूंढते 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 बाहर आती थी। मैं देखती थी मैं किधर हूँ, किस अवस्था में हूँ, जिंदा हूँ या मरा हुआ हूँ। फिर मेरे को घर पे लेके आते थे, लोग छोटे छोटे बच्चे थे और उनकी एग्जाम रहती थी, और 1:30-2 बजे तक मेरे लिए बेचारे पूरी ताकत लगा के बाहर ढूंढते रहते थे। और दूसरा दिन एक टाइम रहता था, बच्चे लोग नापास होना चालू हो गए थे, और मैं उनको ब्लेम कर रहा था, तुमके तुम्हारे वजह से मैं शराब पी रहा हूँ, क्योंकि तुम इतना अच्छा स्कूल में डाल के इतना ट्यूशन का फीस भरता हूँ मैं, घर में अच्छा हर एक सुविधा देता हूँ, उसके बावजूद भी तुम लोग अच्छा रिजल्ट नहीं ला। घर में बिल्कुल शांति नहीं।
उस दिन जब मैं पूरी रात नहीं आया तो ये लोग ढूंढते 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 गए तो वहां मेरी बुलेट रोड पे पड़ी हुई है, उसके बाजू में पूरा खून खून पड़ा हुआ, आजू बाजू में पूछते 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 वो लोग वहां पुलिस चौकी थी वहां पे गए और वहां पूछा तो बोलता है कि वो तो मर गया, उसको तो हमने भाईंदर वेस्ट में मोर्चरे में फेंका। मेरी बीवी और मेरे दोनों बच्चे मोर्चरे में 4:30 बजे आ गए चलते चलते, पूरा अंधेरा था वो मोर्चरी के बाजू में, और आए अंदर मोर्चरे में देखे तो मैं नहीं हूँ, मेरी शायद शराब उतर गई थी, सर में बहुत चोट थी, पूरा बदन पे चोट ही चोट थे मेरे, पूरा शर्ट और पैंट पूरा खून से लथपथ था। मैं बाहर आया तो सबसे पहला विचार मेरे दिमाग में यही आया कि एक 90 मिल जाएगा तो मुझे, मैं कम से कम ये जान पाऊंगा कि मेरे साथ ये कब हुआ, कैसा हुआ, किधर। और मैंने वही किया दोस्तों, मैं वहां पे ढूंढते ढूंढते ढूंढते, कुछ लोग पैकेट ले लेके गली में से आ रहे थे, मैंने जाके उनको बोला मेरे को भी एक क्वार्टर चाहिए, तो उन्होंने 200 रुपए लेके मेरे को एक क्वार्टर ला के दी। और मैं 11:30 बजे तक पीते 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 हूँ, तो उसी अवस्था में मैं घर पे आया तो घर में पूरे मेरे रिश्तेदार, मेरे जो दोस्त परिवार लोग थे सब आए थे, पूरी तैयारी कर दी थी उन्होंने मेरे को लेके जाने की स्मशान घाट में। और मैं आया देखा तो मैं जिंदा हूँ, कपड़े पूरे खून से लथपथ है, एक 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 आदमी उठ के जाने लगा। मैंने बीवी बच्चों को गुस्सा किया, मेरे बीवी ने मेरे शर्ट और पैंट पूरी फाड़ के निकाल के मुझे स्नान करवा के सब वहां पे टेलीफोन का जो रोड है वहां पे मेरा रोड में वहां पे एक हॉस्पिटल था उसके अंदर पाटिल का, वहां मुझे एडमिट किया और 11 टाके मेरे सर पे आए। और मेरी बीवी बाजू में थी, चलाइन वलाइन लगा हुआ था, और बीच में मैं उठ के गया और उधर ही बाजू में बार था कॉर्नर पे, वहां जाके एक क्वार्टर पी के एक क्वार्टर पॉकेट पी लिया। और दोस्तों मैं मर सकता था उसमें, इतनी गहरी चोट थी और 4 उंगलियां अंदर जा रही थी। बीवी बच्चे परेशान, क्या करने का समझ में नहीं आ रहा था उनको, रिहाब या ट्रीटमेंट सेंटर ऐसा कुछ भी नहीं था। पूजा अर्चना मेरी बीवी बहुत करती थी, 5-5 उपवास करती थी, मेरे लिए ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हमारा आबाराव को अच्छा था। सोसाइटी में भी ऐसे झगड़े फिसाद थे, बहुत बार मैं लॉकअप में जाके बैठा हूँ, बहुत झगड़ा फिसादी व्यक्ति था। ऑफिस में भी मैं बहुत अच्छा कामगार था, अच्छे अवार्ड मुझे मिले थे, कैश अवार्ड भी थे, अप्रिसिएशन बावजूद भी 3 इंक्वायरी डिपार्टमेंट सीरियस केसेस थे, हर एक इसमें मेरा बाहर जाना तय था गेट के बाहर। ऐसा एक इंसिडेंट दोस्तों 2004 का जून में 13 तारीख को हो गया। मैंने हमारी कंपनी का गाड़ी था उसको जला दिया था, दूसरा एक प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया था, और एक मेरा जो साथ था बॉस था मेरा जो, उसको मैं मैनहट्टल किया था, शराब पी के गाली वाली देके उसको कॉलर पकड़ के गाल पे मुंह पे घूसा मारा था, उसने मेरा मेडिकल किया और मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठ गई दोस्तों, मैं सस्पेंड था घर में था, और उस टाइम में मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस कमीशन। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ सब चीजों से, जो भी अभी मैंने 2-3 इंसिडेंट बताया, कि अल्कोहलिक क्या होता है, उसकी मानसिकता क्या होता है, उसका आचरण क्या होता है, उसकी सोच क्या होती है, ये मैंने मेरे पिताजी को देखा, फुल ब्लोन आता है। इतना बड़ा ज्वलंत उदाहरण मेरे सामने होते हुए भी मैं शरारत था। इसके लिए यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद हमको ये पता चलता है कि जब तक मैं उस चीज का अनुभव नहीं करता हूं, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। मैंने अनुभव लिया और मेरा सबसे बड़ा टीचर था शराब, 26.5 साल मैंने शराब, और हर एक चीज मैंने वो की, शायद थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा पिताजी से। इतना रॉक बॉटम मैंने छुआ था, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, कौटुंबिक हो, सामाजिक हो, हर एक चीज का रॉक बॉटम मैंने छुआ था, और उसके बावजूद भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं शराबी हूं।
सबसे बड़ी दुविधा। लास्ट लास्ट में मैं 1:30 2 बजे उठता था, घर से बाहर निकलता था, और कुछ भी ब्रांड नहीं तो स्टार्टिंग में मुझे अच्छा आया था, मैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लेके अच्छा अच्छा क्लबों का मेंबर था यार, मैं अपने हिसाब की दारू, मेरे चॉइस की दारू, मैं क्लास में आइस लेके क्लब में बैठ के उसके साथ अच्छा अच्छा चीजें मंगाता था खाने के लिए, और मैं मेरे को जितना चाहिए उतना ठीक आता था। लास्ट क्लास में कोई चॉइस था ब्रांड की, मैंने हाथ बट्टी भी पिए मुंबई। और जब मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मेरे साथ काम करने वाले के व्यक्ति ने बिग बुक मेरे हाथ में देके दिया था, क्योंकि मैंने उसको देखा था उसकी शराबियत, और उसने मुझे बोला कि भाई ऐसा ऐसा कोई प्रोग्राम है। हमारे डॉक्टर मेडिकल डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर थे बेचारे, बहुत अच्छी थी, अभी पता नहीं जिंदा है या नहीं। उन्होंने मुझे बहुत मदद की, हमारे साहब थे ठाकुर साहब को भी मेरे से परिचय करवा के दिया, उन्होंने कि ठाकुर इनका जरा ध्यान रखना, इनको लेके जाना मीटिंग। और मैं दोस्तों मीरा रोड ईस्ट में चर्च में फ्राइडे के दिन एक मीटिंग थी मेरे परिवार के साथ, मेरा बीवी और दोनों बच्चों को हाथ में पकड़ के मैं उस मीटिंग में आया था। 25-30 लोग थे दोस्तों, और मेरा स्वागत किया। और उस दिन मुझे पता चला कि एक बीमारी, मानसिक आकर्षण, शारीरिक एलर्जी और आध्यात्मिकता का अधपतन पहली बार पता चला। और ये भी पता चला कि कोई भी व्यक्ति मुझे शराब से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हुई थी, मेडिकल काउंसलिंग हुआ था, तांत्रिक मांत्रिक झाड़ो झटका हर एक चीज मेरे साथ। ऐसा कोई भी अम्मा से पुण्यम नहीं था जब मेरे सर के ऊपर कोई लिंबू नहीं कट हुआ हो, या कोई मेरे सर पर से पीठ पर से उतार के कोई चीज ऐसा चौरस्ता में लिया के नहीं छुपे। मेरे बाहों में ताबीत बांधे हुए थे, गले में ताबीत थे, कमर के पास बांधे हुए थे, हर एक चीज मेरे साथ हुई थी, लेकिन मुझे मदद नहीं मिली। लेकिन उस मीटिंग में जब मैं गया, मैं बाहर आया तो बहुत से भाइयों ने मेरे पीठ पर से हाथ घुमाया और मुझे बोला भाई आते रहो, और आपका हम बहुत आभारी है कि आपने हमें याद दिलाया कि हम किस अवस्था में इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग में आए। और मुझे किसी ने कुछ भी नहीं पूछा था दोस्तों कि आप किस परिवार से हो, कौन सा खानदान से हो, कौन सी शराब पीते हो, कितना पढ़े लिखे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई फॉर्म नहीं। और मैं हर भाई को मैं देख रहा था, 5 या 7 शेयरिंग हो गए थे उनके, हर एक भाई उठ के बोल रहा था मेरा नाम ये है, मैं शराबी हूँ, मेरा नाम ये है, मैं अल्कोहलिक हूँ, मेरा नाम ये है, मैं दारूडा हूँ। मैंने तो कभी नहीं बोला था, और मुझे किसी भी एंगल से वो भाई शराबी नहीं लग रहे थे, अच्छा क्लीन थे, अच्छे कपड़े और अच्छी बात कर रहे थे, एक शराबी बात कर रहा था, बाकी सब सभासद शांति से सुन रहे थे। बहुत अच्छा लगा वो पहली प्रार्थना, बाद में वो प्रस्तावना, उसके बाद वो कार्यक्रम प्रक्रिया, बाद में परंपरा है। और स्टिक टू द पॉइंट्स, टिपिकल शेयरिंग मैंने उस दिन सुनी थी, जॉर्ज बोल के कोई अंकल थे, एमपी जी भी शायद उस दिन थे, एमपी शर्मा, और बहुत अच्छा लगा दोस्तों। घर पे आया, फिर 2-3 भाइयों ने मुझे पकड़ पकड़ के भाईंदर वेस्ट में, भाईंदर ईस्ट में लोवर रोड पे दहिसर की मीटिंग, बोरिवली की मीटिंग, मेरा ट्रांसफर हो गया दोस्तों हैदराबाद। 11 महीना 8 दिन में शराब से दूर था, और ना तो मैंने मार्गदर्शक लिया था, बिल्कुल 2-3 बार पढ़ा था, मेरे को समझ में नहीं आता, और मैं वापस फिर से मैंने धूल चाटना चालू कर दिया, मैं रिलैप्स हो गया। 3.5 साल लगे वापस आने के, और दूसरी बार जब मैं आया दोस्तों तो 1 घंटा पहले मैं मीटिंग की जगह पे गया था, और फिर से उन्हीं भाइयों ने मेरा स्वागत किया, क्या बार आओ, आते रहो, वेलकम। तो फिर मैं जब दूसरी बार जब आया तो मैं पूरा हार मान के आया था, नहीं भाई इस टाइम में कुछ भी हुआ तो भी मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस को नहीं छोड़ूंगा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे जो ईश्वर मुझे मिला था उनको नहीं छोड़ूंगा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का रिकवरी का कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम, इसका आचरण करूंगा। और मैं दोस्तों पूरी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा, और इस कार्यक्रम की प्रक्रिया में उतरा, अपने आप को सर्विस पे जोड़ दिया, और आज बड़ा खुश हूँ दोस्तों कि अगर मैं उस टाइम इस कार्यक्रम की प्रक्रिया से नहीं गुजरता था, इस सर्विस के अंदर अपने आप को नहीं जोक देता था, तो शायद ही मैं आपके साथ अभी इस वक्त बात करने के लिए जिंदा होता दोस्तों।
फिर वो तीन इंक्वायरियां मैंने फेस की, लीनियंट वे में उन्होंने मुझे वापस लिया, तीन बार आउट ऑफ द वे मुझे प्रमोशन दिया गया। जो बच्चे मेरे फेल हो गए थे वो बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करके, क्योंकि बहुत बार मैं सुनता हूँ इस फेलोशिप में कि हमारे शराबी के जो बच्चे रहते अपने आप को पूरी तरह से उनकी मानसिकता इतनी परिपक्व हो जाती है कि वो अपने आप को खुद को भी संभालते और हमारे जैसे शराबी के जो पेरेंट्स रहते हैं उनको भी अच्छी तरह से ये करने का मालदा रखते हो लोग, इतनी हिम्मत रखते हो लोग। मेरी बीवी भी बहुत मानसिक दृष्टि बहुत स्ट्रांग थी और मुझे बहुत सहयोग दिया। मेरे बच्चे लोग अच्छा पढ़ लिख के अच्छे पोजीशन पे है, तो मैं उसी नौकरी में फिर मैं मेरा टर्म पूरा करके जुलाई 2021 में रिटायर हो गया दोस्तों। रिटायर होते टाइम मैंने देखा कि जो मेरे साथ काम करने वाले मेरे सुपीरियर्स मेरे सबऑर्डिनेट मेरे को देख के मुंह टेढ़ा करते थे, मेरे से दूरी बनाने का प्रयत्न करते थे, मेरे नजदीक नहीं आते थे, रिटायरमेंट के दिन उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे। मेरे लिए उनके हृदय से प्रेम की भावना मैंने देखी। आलिंगन दे दे के मुझे जोर जोर से खींच रहे थे, बोल रहे थे आबाराव जी अभी हमारा क्या होगा। और ये सब किसके हुआ दोस्त? आबाराव तो वही था, बदलाव क्या होगा? मेरी मानसिकता में मेरे सोच में बदलाव आया था, मेरा मेरे तरफ देखने का दृष्टिकोण, मेरा औरों की तरफ देखने का दृष्टिकोण, पीपल प्लेसेस और सिचुएशन को जैसे है वैसा स्वीकार करने का भाव। सबसे पहले तो ये स्वीकारना कि मैं शराबी हूं और मेरी जिंदगी को मैं अच्छी तरह से नहीं चला सकता, ये भाव। मैं मेरे जिंदगी में हर एक चीज में अस्त व्यस्तता लाता हूँ, ये भाव। मुझे कोई भी मानवीय शक्ति शराब से दूर नहीं कर सकती, ये भाव। लेकिन अगर ईश्वर चाहता है, ईश्वर को अगर मैं पूरी तरह से उनके सामने अपना सर्व कुछ अगर समर्पित कर देता हूँ और उसकी इच्छा जानने का प्रयत्न करता हूँ, तो मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ उपयोगिता, कुछ ना कुछ सकारात्मकता ये मैं ला सकता हूँ, ये भाव। दोस्तों मैंने वही किया और जिंदगी में बहुत से बदलाव आ गए, बहुत से बदलाव ये आ गए कि मैं आज मेरे परिवार में खुद भी निर्णय लेने के लिए जब भी निर्णय लेना पड़ता है तो मैं सुनता हूँ, सब मेरे दोनों बच्चों का सुनता हूँ, बीवी का सुनता हूँ, और अगर मुझे पूछा गया तो मैं ओपिनियन दे सकता। इसलिए आज मेरे कोई भी निर्णय गलत नहीं होते। ऑफिस में भी मैं वही करता, 36.5 साल मैंने नौकरी, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा अनुभव है मेरे पास, वर्किंग एक्सपीरियंस। लेकिन कभी पूछा तो मैं उसका ओपिनियन देता हूं, नहीं तो मैं जाके किसी के बीच में टोकता नहीं कि ऐसा करना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मैं खुद जाके काम करता हूँ, उसको मैं बताता हूँ कि नहीं भाई मेरे अनुभव से मैंने ये किया, मैं कुछ तुरुम खाना ही और 30 मार खाना ही। तो रिलेशन जुड़ते गए दोस्तों, आज स्वीकार लोग करते, मुझे बुलाते फंक्शनों में, दावतों में, शादी में, किसी का बर्थडे रहेगा तो बोला थे। समाज के अंदर कुछ स्थान आज है, आर्थिक दृष्टि बहुत पीछे हूँ। मेरे मुंबई में 2 घर थे, आज मैं किराए के घर पे, लेकिन वो जो पीस, जो शांति की बात हम करते हैं, शांति नहीं थी। आज मैं किराए के घर में रहता भी तो मैं ये देखता हूँ कि ईश्वर ने मुझे छत दिया है, ईश्वर ने मुझे अच्छा तंदुरुस्त शरीर दिया, ईश्वर ने मुझे अच्छा परिवार दिया, ईश्वर ने मुझे इतनी अच्छी सुंदर फेलोशिप। और सबसे पहली बात तो मैं ईश्वर को यहाँ पे जानने लगा, पहचानने लगा, उनके साथ मेरे संबंध बन गए, उनके साथ मैं बात करता हूँ, मेरी जो भी समस्या है उनके साथ मैं शेयर करता हूँ। और आप सभी भाइयों के मुंह से किसी ना किसी भाई के शेयरिंग के द्वारा उसका समाधान भी ईश्वर मुझे भेजता है, लेकिन मुझे काम करना पड़ता है दोस्तों। जैसा अभी सुरेंद्र भाई बता रहे थे, उन्होंने 6 महीना पूरा किया, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि इसी तरह से ईश्वर उनको आखिरी सांस तक संयमित जीवन प्रदान करे। मुझे भी ये आशा दी गई थी दोस्तों। और जब मैं देखता हूँ कि मैं आज अपने खुद के लिए, मेरे परिवार के लिए, इस समाज के लिए, ये फेलोशिप के लिए उपयुक्त हूँ, तो मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूँ। आज का मेरा जो 24 घंटे का टाइम है इसको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, ये मेरे जो 36 तत्व इसमें से मुझे बहुत मदद मिलती है। उसका जब आचरण मैं अपने निजी जीवन में करता हूँ उन तत्वों का,
लेकिन आज भी मेमोरी लॉस है, तो आज मैं नोट पैड रखता हूँ, उसके अंदर लिख के रखता हूँ क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। मेरा एक डेबिट कार्ड का पेमेंट कुछ ड्यू था, 5,000 रुपए कैश निकाला था, 67,000 कुछ ड्यू था, तो उसको मैंने उस ऑफिस में जाके उनके साथ बैठ के वो भी क्लियर किया। और अब ईश्वर की दया से ईश्वर ने मुझे मेरे सपनों के परे का घर, जो मैं कर भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था, ऐसा घर बनाने के लिए ईश्वर ने मुझे आज उतनी हिम्मत दी, उतनी ताकत दी और मैं आज मेरा घर का काम चालू। आज कोई गोली खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिजिकल मीटिंग में जाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, न्यू कमर के साथ बहुत काम करता हूँ। मैंने एक एक भाई, मेरे भाई स्पॉन्सर ने जो मुझे सिखाया था, जो बताया था, उनका खुद का अनुभव, वो डेथ बेड पे थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, फिर भी मैं रोज उनको मिलने को जाता था, तो वो यही पूछते थे, आवारो आज मीटिंग में कितने लोग आए थे, आज कोई नया भाई आया था क्या? ये मेरे सिराने पे एक बिग बुक की किताब है, वो नए भाई को देना मेरे तरफ से। ये कृतज्ञता का भाव दोस्तों मेरे आप लोगों ने लाया। आज मैं अपने आप को वॉलंटियर करता हूं, तो ये मेरे उद्धार की जिंदगी है, ईश्वर ने जो मुझे प्रदान की, जिसके लायक मैं नहीं था दोस्तों। और ये जिंदगी मेरे आर्थिक या भौतिक सुविधाओं के लिए मुझे नहीं, जिंदगी मुझे दी है कि आज भी अभी भी कोई व्यक्ति अगर मदद की पुकार करता है तो क्या उसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं? कि आज भी कोई न्यू कमर आता है तो मैं सुबह से लेकर शाम तक उसके साथ मेरा समय व्यतीत करता हूँ, एक साल का टोकन लेने तक मैं उसको कैरी करता हूँ, उसके साथ रहता हूँ, मुझे ताकत मिलती है, मुझे शक्ति मिलती है, क्योंकि नया भाई को जब उभरते हुए देखता हूँ, उसको संभलते हुए देखता हूँ, उसके चेहरे पे खुशी देखता हूँ, आनंद देखता हूँ, परिवार को मदद करने के लिए जब वो आगे शेयर करता है, आज मैंने 10 रुपए की जलेबी लेके गया घर पे, बच्चे लोग बड़े खुश हुए, तो बहुत अच्छा लगता। मैं उस फेज से गुजरा था, और फिर जब पहला टोकन लेता हूं तो उनके आंखों में खुशी देखता हूं, उनके परिवार के चेहरों पे वो खुशी देखता हूं, तो मुझे सोबर रखने का ईश्वर का जो उद्देश्य था वो कुछ हद तक सफल होते हुए मैं अपने आप को देखता हूं। और यही कार्यक्रम है दोस्तों कि जिसके लिए ईश्वर ने मुझे ये संयमित जीवन प्रदान किया, लेकिन बहुत सा काम था। और वो काम करने के लिए सुबह सुबह में जब हाथ नींद में से उठता हूँ, ईश्वर को हाथ जोड़ के सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ कि हे ईश्वर, आपने मुझे सही सलामत जिंदा आज बताया, आज का एक दिन बताया, कल रात में मुझे अच्छी नींद आई, कोई सपने में मैंने शराब पीते हुए अपने आप को नहीं देखा, कोई हेलुसिनेशंस नहीं थे, कोई मेरे दरवाजे पे नॉक करता था तो मैं बाथरूम में आ छुपा के नहीं, कोई भाई कॉल करता है तो मैं उसको नहीं है बोलते बोलो, या फिर उनको म्यूट मोड में डालता नहीं हूँ या साइलेंट नहीं करता हूँ। आज मैं उसको फेस करने का प्रयत्न करता हूँ, नए भाइयों को मदद करने का प्रयत्न करता हूँ, मेरे परिवार के साथ बैठता हूँ। मेरी बीवी आज बहुत बीमार है, मैं और मेरी बीवी परसों 5-6 महीने पहले, मेरा बड़ा लड़का आया था, वो केरला में काम करता है, तो हम लोग ऐसा क्या बोलते हैं उसको, कौटुंबिक फोटो जो रहता है ना, हम दोनों मियाँ बीवी और दोनों बच्चे, हम लोग फोटो निकालने के लिए लेके आए दोस्तों, तो मैंने देखा कि मेरी बीवी मेरे से 4 साल छोटी, और मैंने जब देखा कि उसके चेहरे के ऊपर, उसके आंखों के नीचे बड़ी बड़ी झुर्रियां हैं, आंखें उसकी ऐसा खोल डोंगे बोलते ना खोल, और मेरे से उम्र में बड़ी लगती है, तो क्या दोस्तों उसके लिए मैं जवाबदार नहीं हूं? मेरे बच्चे लोगों का, जो मेरा बड़ा लड़का 19 साल का था, छोटा लड़का 14 साल का, जब मैं इस फेलोशिप में आया था, क्या उनका बचपन मैंने नहीं छीना? क्या उनकी जो उम्मीदें थी, उनकी जो आकांक्षाएं थी, उनका जो खेलने कूदने का समय था, क्या मैंने उनसे नहीं छीना? तो क्या मेरा जो ये संयमित जीवन है, क्या मैं उनके लिए मददगार नहीं बन सकता हूँ? क्या उनका फ्रेंड नहीं बन सकता, उनका दोस्त नहीं बन सकता हूँ, उसका उनके बाजू में बैठ के उनके साथ में अपनी बातें उसकी बातें शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्या नहीं सुन सकता हूँ? क्या हम अच्छे फ्रेंड नहीं बन सकते? ये प्रयत्न करता हूँ। आज मैं कभी भी कोई भी चीज में अपनी नहीं चल, आज भी बहुत सी गलतियां होती है, बहुत बार ऐसा गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर मैं प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से मदद मांगता हूँ, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने गुस्से को संभाल सकूं,
अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को संभाल सकते, और ईश्वर मदद करता है दोस्तों। पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा हूँ, कुछ ऐसी परिस्थितियां उभरी, मेरे जो वडलो पार्जी प्रॉपर्टी थी वो किसी ने मेरे नाम के ऊपर थी, वो किसी और के नाम पे कर दी थी, और उसके लिए जाके कोर्ट कचहरी में भागना पड़ा। वहां पे भी मैं जब जाता हूँ विनम्रता के साथ प्रार्थना करके कोर्ट हाल में अपना पैर रखता हूँ, और ईश्वर मदद करता है दोस्तों। तो बहुत खुश हूँ दोस्तों कि आज जिंदा हूँ, आपके बीच में हूँ, और आप ही भाई है जिन्होंने मेरा जिंदगी बचाने का काम किया, लाइफ सेविंग ड्रग जिसको बोला जाता है, आपकी शेयरिंग मेरे लिए मेरी जिंदगी बचाने का काम करती है दोस्तों। उसके लिए आप सभी भाइयों का भी हृदयता से, अंदर से, अंतरात्मा से आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ ईश्वर का इस फेलोशिप का, जो स्पॉन्सर है उनका, सभी न्यू कमर जितने भी नए और इस मीटिंग का, अगर ये मीटिंग मेरे लिए एक रक्त वाहिनी के लिए सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई, अश्विन भाई, आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया, सभी भाइयों ने शांति से सुना, आप सभी भाइयों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।